ओम श्री साई राम। मेरा नाम आर एस कुशवाहा है और मैं पश्चिमी दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है उसके समिति W5 का कन्वेनर हूँ मैं। और कई वर्षों के बाद मैं पिछली बार प्रशांत निलयम जाकर मुझे स्वामी ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इस बार मैं फिर जा रहा हूँ। कई वर्षों बाद आपने ये अभी मैंने जो पहला वाक्य बोला है, लगभग कई साल तक मैं नहीं जा सका किसी कारणवश और पिछले साल गया। पिछले साल जाने पर जो अनुभूति हुई वहां मुझे, जो आकर्षण और जो एहसास हुआ मुझे, उसका इतना ज्यादा असर हुआ कि इस बार मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सच मायने में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो मौका कब आए। 4 तारीख को मैंने टिकट बना रखी है और स्वामी से प्रार्थना कर रहा हूँ लगातार कि आप मुझे ये अवसर जरूर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाना स्वामी के बुलावे के अलावा और कुछ नहीं है। कई बार टिकट बना हुआ भी लोग नहीं जा पाते, लेकिन यदि आप सारी परिस्थितियों से बाहर निकलते हुए किसी भी स्थिति में वहां पहुंच रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि स्वामी ने आपको बुलाया है। लेकिन जहां तक जाने का सवाल है, तो उसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा हुआ, एक वाक्य है कि तुम पहले एक कदम बढ़ाओ फिर मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लगभग 40 साल से मैं समिति के अंदर हूँ और नए संघ में, और हमेशा मैं इस तरह की जो बाबा के थॉट्स हैं, बाबा के जो वचन है वो सुनता आया हूँ कि आपको एक कदम बढ़ाना है, उसके बाद स्वामी 10 कदम बढ़ाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। तो मैं ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आपने अगर एक कदम बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से स्वामी आपको वहां पर सेवा का अवसर देंगे। और सेवा का महत्व क्या है पुट्टपर्ती में, बाबा ने तो स्वयं कहा है कि जो हाथ सेवा में लगा हुआ है वह प्रार्थना करने वाले ओटों से ज्यादा पवित्र है। यदि आपको सेवा का अवसर मिलता है कहीं भी, तो समझिए कि वो आपके भजन से या आपके द्वारा किए गए प्रार्थना से कहीं ज्यादा प्रभावकारी है और उसका असर बहुत जल्दी होता है। तो इसीलिए अगर आप ईश्वर की कृपा चाहते हैं, बाबा की कृपा चाहते हैं, तो इस अवसर को चूकिए मत। आप जरूर मन बनाइए, टिकट बनाइए और पुट्टपर्ती में जो हमारी सेवा है जो 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होने जा रहा है उसमें भाग लीजिए। और निश्चित रूप से जब वहां आप बैठकर जिस भी पॉइंट पर सेवा का अवसर मिलता है आप अनुभूति कीजिएगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप वहां पर एहसास करने का प्रयास कीजिए कि आप यहाँ पर कैसी फीलिंग कर रहे हैं, तो आपको अद्भुत लगेगा। तो इसीलिए इस अवसर को चूकिए मत। और आपने टिकट बना लिया है तो एक और टिकट आपके आसपास में कोई भक्त हैं जो सेवा दल है जाना चाहते हैं उनको अवसर दीजिए, और जिन्होंने नहीं बनाया तो जरूर बनाइए। जय साईं राम, जय साईं।